जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो वीडियो है वो है ओरेकल एपेक्स से रिलेटेड। तो बेसिकली जो है ना, एपेक्स को हम लोग कहते हैं लो कोड डेवलपमेंट या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, क्योंकि इस टूल को यूज़ करके आप बहुत जल्दी, बहुत क्विकली, बहुत अच्छे तरीके से वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डिवेलप कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट के। हाँ, लेकिन जब आपने किसी भी क्लाइंट का सॉल्यूशन डेवलप करना है तो आपको दो चीज़ों पर काम करना है। एक डेटाबेस होगी जो कि बैक एंड पे चलेगी, और एक आपके पास फ्रंट एंड एप्लीकेशन होगी। फ्रंट एंड एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे या आपकी जैसे ना वेब एप्लीकेशन हो सकती है। तो जो डेटाबेस है उसके ऊपर काम करने के लिए आपके पास एक्सी की डेटाबेस, जिस पर हम लोग फ़िलहाल काम करेंगे। एक्सी की डेटाबेस इंस्टॉल कैसे करनी है, उसके ऊपर जो है ना एपेक्स कैसे इंस्टॉल करना है, और एसक्यूएल के ऊपर कैसे काम करना है, उसकी सेपरेट वीडियोज़ बना के मैंने डाउन अपलोड की हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं। आज की जो टॉपिक है वो है ओरेकल एपेक्स से रिलेटेड। ओरेकल एपेक्स स्टैंड फॉर एप्लीकेशन एक्सप्रेस। एप्लीकेशन एक्सप्रेस इज़ ए रैपिड एंड लो कोड वेरी फास्ट डेवलपमेंट टूल, जिसको यूज़ करके आप जो है ना बहुत क्विकली, बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एपेक्स के कोर्स का एजेंडा बता देता हूँ कि इस कोर्स के अंदर हम लोग सीखने क्या कुछ लेंगे, क्या कुछ इस कोर्स के अंदर मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो है ना एपेक्स का इंट्रोडक्शन करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि क्यों एपेक्स जो है ना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा रैपिडली इन डिमांड आ रही है। बहुत सारी कंपनी जो है ना अपनी पुरानी फॉर्म बेस्ड या दूसरी एप्लीकेशन को स्विच करके एपेक्स के ऊपर आ रही है। हम लोग एपेक्स का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एपेक्स का आर्किटेक्चर क्या है, कौन कौन से कोर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको यूज़ करके आप एप्लीकेशन एक्सप्रेस को यूज़ करके आप एपेक्स का सॉल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी कंपनी के थ्रू। तो ये बेसिकली जो है ना इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन करने के बाद हम लोग एक एसक्यूएल वर्कशॉप करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एपेक्स को यूज़ करते हुए आप किस तरीके से अपनी एसक्यूएल की कमांड्स को लिख सकते हैं, और कुछ बेसिक हम लोग एसक्यूएल की कमांड्स भी सीखेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 होगा एसक्यूएल वर्कशॉप का, जो कि एपेक्स के कोर्स के अंदर ही आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है ना हम लोग सीखेंगे कि आपने एपेक्स के ऊपर एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा फॉर्म डिज़ाइनिंग, रिपोर्ट डिज़ाइनिंग, प्लस ये एपेक्स के कुछ और कंपोनेंट्स। सो बेसिकली एक बेसिक फ्रंट एंड इंटरफेस जो है वो बिल्ड करना, वो मैं आपको सुनाऊंगा थर्ड टॉपिक के अंदर। थर्ड टॉपिक के अंदर के बाद जो फोर्थ टॉपिक होगा उसके अंदर हम लोग प्योरली फोकस करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को। अगर आपने किसी भी कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंसीडर करने और फोकस करने हैं, ये हमारा फोर्थ टॉपिक होगा। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और कुछ कोर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स सीख लेंगे, आपको अच्छे तरीके से डेवलपमेंट की समझ आ जाएगी। तो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि आपने ओरेकल एपेक्स को ई बिजनेस के एनवायरनमेंट में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप आपका बेसिक जो है ना आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा ओरेकल एपेक्स का, देन हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन किस चीज़ से करेंगे, हम लोग इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ओरेकल ई बिजनेस से, ओरेकल एंड ओरेकल रेस्ट डेटा सर्विसेज से, ORDS से। रेस्ट डेटा सर्विसेज बेसिकली जो है ना आपने अपने डाटे को एक्सपोज करना है या आपने इंटीग्रेशन करनी है डिफरेंट टूल से, डिफरेंट एप्लीकेशन से, तो उसके लिए हम लोग जो है ना ओरेकल रेस्ट डेटा सर्विसेज यूज़ करते हैं। उसको हम लोग सीखेंगे पॉइंट नंबर 5 के अंदर। और उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि आपने एपेक्स के अंदर जो है ना सिक्योरिटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, प्लस ये कि आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के दरमियान में अपनी एप्लीकेशन को कैसे मूव करना है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा अपने आपके फॉर्म बिल्डर की एप्लीकेशन को आपने माइग्रेट करना है टू एपेक्स, तो वो किस तरीके से करना है। तो बेसिकली ये पूरे के पूरे एपेक्स के कोर्स के अंदर ये हम लोग इसमें 7 टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल से सीखने लगे हैं और करने लगे हैं। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या सीखने लगे। एपेक्स के इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले मैं आपको एपेक्स का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, एप्लीकेशन का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको ओरेकल एपेक्स के बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या क्या फायदे हैं। उसके बाद हम लोग एपेक्स का आर्किटेक्चर देखेंगे कि कौन कौन से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और एपेक्स टेक्निकली जो है ना आर्किटेक्चरल वाइज कैसे काम करती है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा एपेक्स की एप्लीकेशन को आपने एक्सपेंड करना है वो किस तरीके से करना है।
तो उसके कंपोनेंट्स एंड फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अपेक्स के अंदर डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, किस किस तरीके से आप अपेक्स के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में काम कर सकते हैं, क्लाउड पे है, आपके इन हाउस इन्वायरमेंट के अंदर, वो सारी सारी चीज़ें सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग अपेक्स का इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा वेलकम टू आई सी एम टी वी इन कोलैबोरेशन विद ICM सॉफ्टवेयर हाउस इज ब्रिंगिंग many Oracle training courses for you free of cost. Please subscribe to ICM TV channel and don't forget to press ring icon so that you will be notified about all upcoming training videos, which include Oracle technical courses and Oracle functional courses over the Oracle e-business as well as Oracle Fusion application. In Oracle technical courses, we are bringing two main different technologies, which is Oracle e-business and Oracle Fusion applications. In Oracle e-business and Fusion applications, we will give you trainings for DBA track as well as development tracks. In the DBA, we will give you core DBA as well as apps DBA and Fusion DBA. In the developer track, we will give you training on all the development technologies, which includes SQL, PLSQL, Java, Form Builder, Report Builder, OAF, ADF, Discover and Business Intelligence. In the functional side, we'll give you trainings for Oracle Financial, Human Resource, Supply Chain, Project Management and Manufacturing over the Oracle e-Business as well as Oracle Fusion application. Before starting training, let me introduce you myself. My name is Abadur Rahman and I'm working on Oracle technologies from last more than 20 years. I completed my Oracle developer certification in year 2000. I have given training more than 5,000 students around the world, and I have given training in more than 15 different training institutions, which includes Oracle University Dubai, Oracle University Saudi Arabia, and many different Oracle training institutions. I'm a very strong developer and I build custom applications for more than 100 clients in Pakistan. I'm Oracle functional consultant and I did the Oracle e-business implementation for more than 50 companies in last 15 years. So I provide a different types of services, which includes consultancy, implementation, as well as support. I'm Oracle, I do have a very strong Oracle Fusion application experience as I'm doing Oracle Fusion implementation from last 5 years. So I worked on more than 5 large projects on Oracle Fusion implementations. I'm a project manager. I do the project management for many projects. I run more than 10 large ERP implementation projects as a project manager. And I'm a very good solution architect as I do have a strong hands-on working experience on Oracle technologies, which include DBA development as well as functional side. So any type of solution if I need to design, I can understand and design any type of solution very easily, though it goes across different technologies or it goes across different modules or the different business area. Does your company need Oracle consultancy services for Oracle e-business and Oracle Fusion Cloud? Software House is a multinational ERP consultancy company dealing in end-to-end ERP solution implementations on Oracle technologies, including Oracle e-business and Oracle Fusion Cloud implementations, business intelligence, mobile application development, and integrations. We are a team of dedicated professionals providing on-site and offshore ERP consultancy services in the international market. ICM is helping clients digitally transform and streamline their business processes by integrating many departments using ERP solutions to have paperless environments, along with the best analytical solutions for decision makers through business intelligence, and by ensuring business data availability and approvals on mobile apps. ICM's head office is located in Pakistan, with branch offices in many countries around the world, including Saudi Arabia, the United States, K
Canada. The United Kingdom. Australia. And the United Arab Emirates. ICM provides Oracle ERP services, including solution-driven implementation based on best practices, 24/7 on-site and offshore support, business intelligence solutions, including data warehousing, mobile application development for e-business and fusion application, corporate trainings, resource outsourcing on-site and offshore support, health checks, upgrading services, especially in Oracle. We offer comprehensive solutions to our clients for managing financial, human resources, procurement, supply chain, manufacturing, projects, property, asset maintenance, asset lifecycle management solutions, and more. We have a great deal of experience in healthcare, telecom, banking, real estate, construction, and the manufacturing business sectors. For more information, please visit our website or contact us via email, phone, or WhatsApp. We look forward to speaking with you soon. जी गाइस, तो चलिए अब हम लोग काम अपना स्टार्ट करते हैं Oracle Apex के ऊपर। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने Oracle Apex पे काम करना है तो वो कैसे करना है। आपके पास Oracle Apex का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप Oracle Apex अपने पास इंस्टॉल कर लें, ठीक है। जब आप Oracle Apex इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपसे जो है ना, ये आपने उधर अपना जो है ये एड्रेस देना है localhost:8080/ords। ये आप एड्रेस देंगे और उसके बाद ये एड्रेस देने के बाद आपकी जो है ना, ये लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे आपने अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं उसका स्कीमा का नाम या वर्कस्पेस का नाम लिखना है, अपना यूज़र नेम लिखना है और पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड जब आप इधर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिखेंगे तो इस तरीके से आपकी जो है ना Oracle Apex का इन्वायरमेंट खुल जाएगा। अच्छा, Oracle Apex पे काम करने के लिए आपके पास तीन डिफरेंट तरीके हैं। तीन डिफरेंट तरीकों से आप अपने पास काम कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अपने हैंड्स ऑन करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि आप अपने पास इंस्टॉल कर लें Oracle Apex। आपके पास इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। आई थिंक सो कि अगर आपके पास 8GB रैम है तो फिर भी जो है ना ये उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। और मेरा ख्याल है कि 15-20GB हार्ड डिस्क इज़ एनफ फॉर दिस टू स्टार्ट योर वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि एक ऑप्शन ये है कि आप Oracle Apex डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। Oracle Apex से पहले आपको डेटाबेस XC की डेटाबेस करनी है। इसके लिए हमने वीडियो सेपरेट बना के अपलोड किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये वन वे है। दूसरा तरीका ये है कि आप apex.oracle.com पे जाएं, apex.oracle.com पे जाएं और इस पर अपना साइन इन करके क्रिएट यूज़र कर लें और ये आपको एक सैम्पल जो है ना वो वर्क स्पेस क्रिएट करके दे देंगे अपनी हैंड्स ऑन और प्रैक्टिसेस के लिए। इसके ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट फ्री टुडे। आप इस पर जाएँ, अपना नया अकाउंट क्रिएट करें और इस पर वर्क स्पेस क्रिएट करें, रिक्वेस्ट करें फ्री वर्क स्पेस की और इस पर अपना काम शुरू कर दें। ये दूसरा तरीकेकार है। और थर्ड वे ये है कि आप cloud.oracle.com पे जाएँ, cloud.oracle.com पे जाएँ। आप लिखेंगे अपने पास cloud.oracle.com। जब आप cloud.oracle.com पे जाएं तो Oracle के क्लाउड के ऊपर आप जो है ना अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लें। जब आप Oracle क्लाउड पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो आपको कुछ फ्री जो है ना वो टाइम के लिए एक्सेस देगा क्लाउड को यूज़ करने के लिए। आप क्लाउड को सीख सकते हैं, उसके साथ साथ जो है ना आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो है इसकी Oracle Fusion Cloud का जो है ना Oracle Apps का इंस्टेंस भी उनसे मांग सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शन हैं, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। Oracle Apps के ऊपर काम करने के लिए आपके पास या तो आपके पास आप अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल कर लें, या आप apex.oracle.com पे जाके इसकी वर्कस्पेस की एक्सेस ले लें, या आप उसके पास Oracle के क्लाउड के ऊपर जो है ना Oracle Apex की इंस्टॉलेशन कर लें।
अब ये तीन तरीके हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ करता हूँ Oracle Apex के बारे में फर्दर, कि Oracle Apex के ऊपर जो है ना बेसिकली जो है ना ये डेवलपमेंट के लिए एक टूल यूज़ होता है। तो पहले मैं आपको कोर्स का एजेंडा बताऊँगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा फर्दर मजीद डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हम कौन कौन से टॉपिक सीखने लगे हैं इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले Oracle Apex का इंट्रोडक्शन और आर्किटेक्चर होगा, जो कि हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद होगा SQL वर्कशॉप, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है ना मैं वीकली एक वीडियो जो है ना इसकी अपलोड करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको फर्दर टॉपिक वाइज आगे लेके चलता जाऊंगा। तो सेकंड वीक के अंदर हम लोग SQL वर्कशॉप सीखेंगे। अब थर्ड वीक के अंदर जो है ना क्रिएटिंग एपेक्स एप्लीकेशन है, जिसमें फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और अदर कंपोनेंट्स जो है ना वो क्रिएट करना बताऊंगा। अब एप्लीकेशन एपेक्स एप्लीकेशन क्रिएट करने पे हो सकता है हमारे दो तीन लेक्चर इसके ऊपर हो जाए, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे करनी है एपेक्स को यूज़ करते हुए। तो अगर ये चार टॉपिक्स आप कर लेते हैं तो आपका एपेक्स के ऊपर बहुत अच्छा हैंड ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांस टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर हम लोग एपेक्स की इंटीग्रेशन सीखेंगे, कि आपने एपेक्स की डिफरेंट टूल्स से डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के साथ इंटीग्रेशन कैसे करनी है, खासतौर पर Oracle e-Business के साथ। अगर आप Oracle e-Business यूज़ कर रहे हैं या Oracle Fusion क्लाउड एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आपने एक सेपरेट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन Oracle Apex में बना के उसको इंटीग्रेशन करनी है, तो वो किस तरीके से करनी है वो हम लोग इसमें सीखेंगे। उसके बाद है Oracle की REST Data Services भी इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होती हैं, वो हम लोग सीखेंगे आप किस तरीके से इंटीग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग Oracle REST Data Services। ये टॉपिक करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपने Oracle Apex में सिक्योरिटी कैसे होती है, वो कैसे काम करती है, और Apex की एप्लीकेशन को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के दरमियान कैसे माइग्रेट करना है। उसके बाद एट द लास्ट हम लोग सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई Oracle फॉर्म के अंदर, फॉर्म बिल्डर के अंदर एप्लीकेशन बनी हुई है, तो उसको Oracle Apex में कैसे माइग्रेट करना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने लगे हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Apex के इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग सीखेंगे कि Oracle Apex क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या है, और Apex को जो है ना ई बिज़नेस के आर्किटेक्चर के अंदर कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसके बाद जो है ना Apex के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और फीचर क्या हैं, उसके बाद कौन से डिफरेंट डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट की ऑप्शंस हैं Oracle Apex के अंदर, और उसके बाद Apex के थोड़े से इन्वायरमेंट को समझेंगे। ये सारे का सारा जो सा होगा हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, जो कि है Oracle Apex इंट्रोडक्शन। अब Oracle Apex इंट्रोडक्शन के अंदर जब हम लोग जाते हैं, तो पहला टॉपिक Oracle Apex इंट्रोडक्शन के ऊपर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया है, Oracle Apex जो है ना रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट या लो कोड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है, ठीक है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल से क्या मुराद है कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती, आपके पास ऐसे फीचर्स हैं, आपके पास ऐसे विजर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवेलप कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है Oracle Apex। उसके बाद आपको ये समझनी है कि नो कॉस्ट फीचर फॉर Oracle डेटाबेस। अच्छा, अगर आपके पास Oracle की डेटाबेस है, अगर आपने Oracle की डेटाबेस परचेज की हुई है, तो आपको Oracle Apex का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये Oracle की डेटाबेस के अंदर बिल्ट इन होती है। तो सब सेकंड फीचर ये है कि एक तो ये है कि Oracle की डेटाबेस के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है, आपको डेटाबेस के लिए Apex के लिए कोई सेपरेट लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा ये कि ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, इसमें आपकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर यह है कि इसके अंदर ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन होगी, इसके ऊपर जो है ना फॉर्म बिल्डर टाइप जो है ना वो एप्लीकेशन नहीं होगी जो जावा में खुले। तो ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन ही आजकल चल रही है, क्योंकि आप नेट के ऊपर कनेक्टिविटी के साथ अपने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में कनेक्ट करना है, तो आपके पास ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस का ही अब आगे से ट्रेंड चल रहा है, और ये आपकी ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन ही इसको सपोर्ट करती है। और प्लस यह कि आपकी सारी डेवलपमेंट भी सारी ब्राउज़र के अंदर ही होगी, आपको अपना कोई सेपरेट टूल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद यह कि इसके अंदर डिक्लेरेटिव वेबसाइट वेब है। डिक्लेरेटिव से क्या मुराद है कि आपकी जितनी भी डेवलपमेंट है, उसके डेवलपमेंट का जो कोड है वो आपकी डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, और उसकी जो है ना आपके पास डिफरेंट टैग्स होंगे जिस तरह XML वगैरह के अंदर होते हैं। प्लस ये है कि अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SQL एंड PL/SQL के फीचर्स हैं। अब यह है कि बेसिकली आप देखें कि मार्केट के अंदर जो है ना इंटरनेट एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल है, बट वो टूल्स डेटाबेस के साथ, खासतौर पर Oracle की डेटाबेस के साथ, या अगर आपने कोई स्ट्रॉन्ग बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंटेशन करनी है किसी भी डेटाबेस के साथ, उसमें हो सकता है वो किसी ना किसी जगह पर मार खा रहे हो, उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल SQL एंड PL/SQL अवेलेबल है, जो कि इसके अंदर यूज़ होगा Oracle की डेटाबेस के अंदर। प्लस यह है कि सेल्फ सर्विसेज में अप्रूवल्स वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। तो बेसिकली गर्ज ये कि आपके पास मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको चाहिए हैं, वो सारी की सारी आपको Oracle Apex में मिल रही हैं। आप किसी भी तरह की मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट Oracle Apex में क्रिएट कर सकते हैं, पहली बात तो ये होगी।
अब थोड़ा सा अपेक्स के बेनिफिट्स देखते हैं कि अपेक्स पे क्या बेनिफिट्स होंगे। एक तो यह कि डाटा ड्रिवन एप्लीकेशन इसके अंदर आप डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिज़नेस नीड्स डाटा ड्रिवन एप्लीकेशन, जहाँ पे आपके पास बड़े हाई लेवल के बिज़नेस होंगे उसके अंदर जो है ना आप अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डाटा, बहुत ह्यूज लेवल का डाटा जो है ना उसको हैंडल कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द वेबसाइट और ऑन द वेब और मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये डाटा ड्रिवन एप्लीकेशन आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। प्लस यह है कि ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए होगी, इसमें बिल्ड एसक्यूएल बेस्ड रिपोर्टिंग एप्लीकेशन ऑन एग्जिस्टिंग डेटाबेस की मस। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई डेटाबेस है तो उसके लिए आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ओरेकल एपेक्स। तो बेसिकली इसके थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर यह है कि आपके पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड फॉर्म्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड फॉर्म्स होंगे, HTML5 इसके अंदर यूज़ होगा, और प्लस यह है कि आपके पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडर्न फॉर्म्स होंगे। प्लस यह है कि ये क्या है कि आपकी एक्सेल शीट को या एक्सेल के डाटे को या एक्सेल की एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में भी इजीली आप इसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लस यह है कि रिप्लेसमेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके पास एक जो है ना वो सिंपल स्मॉल स्केल डेटाबेस यूज़ हो रही है, लेकिन ये है कि ये उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है आपकी वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस के तौर पे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे जो है ना यूजेज हैं ओरेकल एपेक्स के, और यूज़ केसेस हैं कि कहाँ पे किस तरीके से आपके पास ओरेकल एपेक्स आपकी जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, या आप ये कह लें कि इसके बेनिफिट्स हैं। अब उसके बाद एपेक्स के इंट्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा ओरेकल एपेक्स का आर्किटेक्चर को हम लोग समझ लेते हैं। तो बेसिकली जब आपने ओरेकल एपेक्स पे काम करना है, आपने जब ओरेकल एपेक्स पे काम करना है तो आपके पास एक डेटाबेस होगी। ठीक है, बेसिकली लाइक 21c इज़ अ प्लगेबल डेटाबेस, 21c प्लगेबल डेटाबेस भी हो सकती है, डेडिकेटेड डेटाबेस भी हो सकती है, और आपके पास जो है ना एंटरप्राइज डेटाबेस भी हो सकती है। कोई भी जो डेटाबेस आपके पास ओरेकल की होगी उसके अंदर आपके पास जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट एक SQL और PL/SQL का इंजन तो होता है डेटाबेस के अंदर। अब यह कि इसके अंदर अपेक्स का इंजन भी होगा। अब ओरेकल वालों ने अपनी डेटाबेस के अंदर अपेक्स इंजन भी बिल्ट इन कर दिया है, और ये तीनों चीज़ें आपके ओरेकल की डेटाबेस, अपेक्स इंजन एंड स्कीमास। स्कीमास से क्या मुराद है कि जितने आपने यूज़र्स क्रिएट किए होंगे और जो जिन यूज़र्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होगा वो सारे का सारा आपका डेटाबेस की लेयर पे, स्कीमा पे, या इसके आपके बैकएंड पे चलेंगे। और उसके बाद जो है ना REST डेटा सर्विसेज और SOAP जो है ना ये आपके इंटीग्रेशंस के लिए यूज़ होगी। तो बेसिकली आप ये कह लें आपके पास मल्टी टायर इन्वायरमेंट में या थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर एक टायर जो है वो बेसिकली डेटाबेस का होगा, जो कि बैकएंड पे चलेगा, जिसके अंदर तमाम का तमाम डाटा स्टोर होगा और जिसमें डाटा से रिलेटेड आपकी इंटीग्रेशन होगी, ये आपका बैकएंड पे होगा। उसके बाद मिडलवेयर होगा या मिडल टायर के ऊपर आपके पास ओरेकल की REST डेटा सर्विसेज चलेंगी, जो कि वेब लॉजिक या जेटी या टॉमकैट के ऊपर जो है ना वो चल रही होंगी। इसकी ओरेकल ORDS ओरेकल REST डेटा सर्विसेज जो है वो आपकी मिडल टायर के ऊपर चल रही होंगी, जो क्या करेगा कि यूज़र से, क्लाइंट से, किसी भी पर्सन की रिक्वेस्ट लेगा। ठीक है, कोई भी बंदा अगर आपके पास आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करना चाह रहा है वो ब्राउज़र खोलेगा, ब्राउज़र से जाकर HTTPS की रिक्वेस्ट सबमिट करेगा, और वो ओरेकल REST डेटा सर्विसेज के ऊपर आपके मिडिल टायर के ऊपर जाएगी ORDS के ऊपर, और ORDS से जो है ना आपकी रिक्वेस्ट JDBC कनेक्शन के थ्रू आपकी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगी। और डेटाबेस के अंदर आपके पास अपेक्स और PL/SQL का इंजन है, और इसमें आपके स्कीमा और तमाम का तमाम डाटा अवेलेबल है। इस तरीके से आपका ओरेकल की अपेक्स की डेटाबेस का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया है, या डिज़ाइन या बिल्ड किया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है ना इसके एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि अगर आप ओरेकल ई बिज़नेस के ऊपर काम करना है तो फिर स्ट्रक्चर क्या होगा। तो नॉर्मली अगर आप ओरेकल ई बिज़नेस पे काम कर रहे हैं तो देखें आपके पास एक डेटाबेस टायर होता है जिसमें ओरेकल ई बिज़नेस का सर्वर होगा, ओरेकल ई बिज़नेस की एप्लीकेशन होगी, डेटाबेस सर्वर के अंदर ओरेकल ई बिज़नेस के स्कीमाज होंगे, और इसी के अंदर आपकी ओरेकल एपेक्स भी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जब आप डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई भी डेटाबेस हो उसमें ओरेकल एपेक्स एक्सप्रेस जो सी एप्लीकेशन एक्सप्रेस जो सी है वो क्या कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट होगी। उसके बाद अगर आप मिडिल टायर पे आए तो ये जिस तरह एप्लीकेशन सर्वर है उसके अंदर आपके पास एक अपेक्स का लिसनर होगा। ठीक है, अपेक्स के लिसनर को हम लोग ओरेकल के एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर देंगे और वो ओरेकल ई बिज़नेस के साथ पैरेलल चलेगा। तो जितनी भी आपकी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आएंगी, चाहे वो ओरेकल ई बिज़नेस की आएँ या अपेक्स की आएँ, तो आपके मिडिल टायर पर चलेंगी, और वो दोनों की दोनों जो है ना आपकी
बैकएंड पे डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रन टाइम ओनली एप्लीकेशन एक्सप्रेस इंस्टॉल्ड ऑन द EBS डेटाबेस। तो क्या है कि आप रन टाइम ओनली अपेक्स का रन टाइम वर्जन सिर्फ इंस्टॉल करेंगे EBS की डेटाबेस के ऊपर, और जावा बेस्ड अपेक्स का लिस्टनर जो है ना वो आपके मिडिल टायर पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है ना ये आपका Oracle ई बिजनेस के साथ Oracle अपेक्स के इन्वायरमेंट की एक्सटेंशन या इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब थोड़ा सा आप ये देखेंगे, अगर आपके पास पूरा एक Oracle ई बिजनेस की डाटाबेस है, अगर आप देखें Oracle ई बिजनेस की डाटाबेस है उसके अंदर ऐप्स का स्कीमा होता है जिसके अंदर तमाम का तमाम स्टैंडर्ड जो है ना आपका Oracle ई बिजनेस का काम हो रहा होता है। जितना भी Oracle ई बिजनेस का काम होगा वो सारा Oracle ऐप्स के स्कीमा के अंदर होगा, और उसके साथ Oracle ऐप्स के स्कीमा के साथ जो है ना आप अपनी Oracle अपेक्स की वर्क स्पेस का एक सेपरेट जो है ना वो स्कीमा क्रिएट कर लेंगे। तो इस स्कीमा की बेस के ऊपर जो है ना आप देखें आपके जितने भी अपेक्स के डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें से जो जो ऑब्जेक्ट्स आपको चाहिए वो आप अपने स्कीमा के अंदर यूज़ कर लेंगे, उनको उनके एक्सेस दे देंगे, और इसकी बेस पर आप अपनी अपेक्स की कोई एप्लीकेशन बना लेंगे जो कि आपकी Oracle ई बिजनेस के साथ इंटीग्रेट होकर चलेगी। तो ये बेसिकली जो है ना आपका अपेक्स का बेसिक सारा का सारा आर्किटेक्चर है।